ये है हमारे घर का माता मंदिर। गाड़ी खोल दो आसान बात है। मंदिर पे दर्शन करने आए हैं। हाँ। सभी कार्य रखा है। हाँ। और है यह वावड़ी है, खाली होगी उसकी काला माता के सामने कांजो भरी होने तो नहीं मेहमा काला माता की कटु कुदरत में पानी निकल लिया पूरा आनंद लेगा मंदिर के सामने। ठीक है, और साथ में हमारे गोपी लाल जी आइए, ये हमारे को घुमा रहे हैं, साइड सर्विंग करा रहे हैं। अच्छा लग रहा है, देखो ना पाजे मेल पानी में ये जो पानी है ना करीब 7-8 फीट भरे हो रहे मैंने, ये दिख रहे ना अपने चट्टाना अड़ी में खराब ली थी गोद में। देखो आप अतर ऊंचाई पे भी पानी जबकि नीचे पानी नहीं है बाल कतरी हाइट पे का चुदू लगन कम कम तो पानी कमी यहाँ देखो अब ये भी एक प्रकृति की देन है जो पानी है ऊपर और सब कुछ पेड़ पौधे सब हरे लग रहे हैं ऐसा नीचे भी माहौल नहीं जैसा यहाँ पे ठंडक है अच्छी हवा आ रही चारों तरफ हरियाली है और एक ये भगवान की देन है या महाकाली की देन है तो इस वजह से यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है। जैसे अपने सोसाइटी में रथ चलता वैसे कुदरत के लिए भी ये एक रथ के समान ये पानी वानी सब ये जीव जंतु पेड़ पौधे हैं सब इसी तरह से चलते हैं जैसे अपना शरीर के ये अच्छा है। अच्छा है सबकी देन है कुदरत की है महाकाल कालका माता है सबकी देन है ये जो चित्तौड़ से सबसे ऊंचा पानी कहीं पानी नहीं होता इस मंगरे में पानी लग रहा है ये भगवान की देन है। घर तो घर चित्तौड़गढ़ बोलते घर तो घर वाकई कालका माता कालका माता है। आप तो घूमी ना पूरे चक्कर लगना है पूरे लेता है पानी तो कम गर्मी झरना ना चल गया झरना बार झरना चल रहा है वो ओशन चल रही है बारिश चल रहा है अच्छा लगो कहीं के बढ़िया कालका माता बढ़िया लग रहा है क्या कैसे है चादर अरे यो कहीं के गेट ये भी बढ़िया लग रहा गेट बढ़िया लग रहा कहीं सुंदर सुंदर दीवारा
आज हम पहुंचे हैं चित्तौड़गढ़ पे। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है ये पर अवल ने इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जो है स्थापना की थी। करीब हजारों सालों से ये दुर्ग अपने आप में प्राचीन है। यहाँ की दीवारें जो है, बड़ी बड़ी जो दीवारें हैं वो यहाँ की प्राचीन है। ऐसे कई प्राचीन इतिहास इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी सैलानी घूमने के लिए आते हैं और प्राचीन चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं। किस प्रकार से यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं देखने लायक। यहाँ के जो विजय स्तंभ है वो बहुत खूबसूरत है। यहाँ की जो ऐतिहासिक दीवारें हैं वो जो उस समय बनाई गई, जिस जमाने में कोई संसाधन नहीं था, इतनी मजबूत सीमेंट भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज हम देखें कि इतनी जबरदस्त तरीके से ये दीवारें खड़ी हुई है जैसे किसी सीमेंट या मजबूत लोहे की दीवार बनी हो ऐसे खड़ी हुई है। और वास्तव में ये नज़ारा अपने आप में बहुत ही सुंदर दृश्य है। इसी दृश्य को देखने के लिए सैलानी आते हैं। यहाँ देश प्रदेश विदेश पूरी भारत भर नहीं, पूरे देश भर से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं और मेवाड़ की इस धरोहर को देखते हैं। इस धरोहर के हम अगर बात करें तो यहाँ से गए हुए थे हमारे राजा उदय सिंह जी जो थे, उन्होंने उदयपुर नगर को पूरा बसाया था। उससे पहले जो यहाँ के राणा कुंभज थे, उन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग की स्थापना की थी। ऐसे कई दुर्ग है जो अलग अलग राजा अलग अलग कालों में उन्होंने अपनी अपनी अनुसार अपनी अपनी कार्यशैली है और अपने अपने कार्यकाल में कुछ न कुछ उन्होंने बनाया है। जैसे उदयपुर के सुंदर जिले बनाई है अलग अलग राजाओं द्वारा और ऐतिहासिक लड़ाई, ऐतिहासिक धरोहर, ऐतिहासिक मंदिर कई प्रकार के जो है निर्माण कराए हैं। और वास्तव में चित्तौड़गढ़ दुर्ग तो देख के बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर सैलानी आते हैं बहुत ही खुश होकर जाते हैं। यहाँ के इतिहास के बारे में जब जानते हैं तो उनको बहुत ही प्रसन्नता होती है कि ऐसे जमाने में ऐसे काल में ऐसे इतने पहाड़ी के ऊपर लोग रहा करते थे। और हमने एक चीज यहाँ पर और देखी है कि इतनी पहाड़ी पे करीब धरती से करीब 1000 फीट ऊपर होगा और यहाँ पर आसपास पहाड़ी के ऊपर पानी भरा हुआ है। जैसे इंसान के शरीर में रक्त काम करता है वैसे ही ईश्वर की कृपा और उनकी करुणा से यहाँ पर ऊपर तक पानी पहुंचता है और कभी बरसात का पानी इकट्ठा होता है। लेकिन आप पेड़ पौधों की बात करें तो वहां तक भी पानी पहुंच के पेड़ों को भी पानी मिलता है, इसीलिए ये हरे भरे रहते हैं। यहाँ सीताफल के पेड़ बहुत ज्यादा तादाद में है और वास्तव में ये अद्भुत प्रकृति का बहुत बहुत अद्भुत नजारा है। ईश्वर की देन है कि हर एक चीज अपने नियम अनुसार बनी है, ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। चित्तौड़गढ़ में घूमने के लिए आए हैं और हमारी धर्म पत्नी जी हमारे साथ में है और हम दोनों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में घूमने का पूरा आनंद उठा रहे। कैसे लग रहे हो? बहुत अच्छा, एकदम बढ़िया, शानदार। चिनाई की गई, ना तो कोई सीमेंट का जमाना था ना कुछ नहीं था, लेकिन इतनी मजबूत तरीके से वो दीवार है कि आज के जमाने में उसको बनाना मुमकिन ही नामुमकिन है। पत्थर से पत्थर किस तरह से जोड़ रखा है और बहुत ही सुंदर और अद्भुत नजारा है। ऊपर जो दीवारें, जो छोटी दीवारें जो चिनाई की है पूरी सही कुटाई कुटाई करके भराई करके उसको बनाई गई है। लगातार इतना पानी आने के बाद भी दीवार भी आज भी हजारों सालों से आज भी मौजूद पड़ी हुई है, ये भी बहुत ही अच्छा नजारा है। और नीचे देखें कुआं भी दिख रहा है, पूरा सामने कुआं भी है और मजबूत दीवार है देखिए सामने। हाँ, कैसा लग रहा है? अच्छा, कुआं का आज चित्तौड़गढ़ में आज हमारे आदरणीय बाबूलाल जी और उनके दोनों पुत्र ने यहाँ पर कालका माता के यहाँ पर प्रसादी रखी थी, उन प्रसादी में आने का आज अवसर मिला है। मामा जी को धन्यवाद देने जाएंगे कि हमने हमको याद किया, हम यहाँ पर आए और चित्तौड़गढ़ में घूमने का आनंद भी भरपूर लिया है। आज चित्तौड़गढ़ में यहाँ पर सबसे बड़ा मंदिर है कालका माता का मंदिर है, यहाँ पर दर्शन किए गए, यहाँ पर विजय स्तंभ देखा और ऊपर से जो पहाड़ी से जो प्राकृतिक वो 1000 से ज़्यादा फीट ऊँचा है ये,
और प्राकृतिक नजारा भी देखा। उधर पीछे की ओर जो हमारा काशीगेड़ा गांव है, जो ओड़ो का गांव है, वो भी यहाँ से ऊपर से बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमने मंदिर विजय स्तंभ, महादेव जी का मंदिर, इसके साथ ही ऊपर जो गांव बसा हुआ है, पूरा शहर की एक शहर की तरह बसा हुआ है, वो देखा। और यहाँ पर पानी देखो आप, प्रकृति की इतनी देन है कि यहाँ ऊपर पानी भरा हुआ है। ईश्वर की दया से यहाँ पेड़ भी जो है हरे भरे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बरसात होती है, पानी नीचे चला जाता है, हम किसी बर्तन में लेते हैं उसको डोल देते हैं, लेकिन यहाँ देखो ईश्वर ने इसकी कृपा की है कि ऊपर भी जो है पानी भरा है, पेड़ हरे भरे हैं। जिस तरह आदमी के शरीर में रक्त चलता है, वैसे ही ईश्वर ने पानी की देन दी है और इन वृक्षों के लिए भी पानी का उपयोग ईश्वर ने किया है। और राजस्थान में हर एक चीज़ यहाँ देखने लायक है, प्राचीन चीज़ें हैं। उसी में चित्तौड़गढ़ भी एक दुर्ग है जो प्राचीन जमाने से बना हुआ है। उस जमाने में आप कल्पना कीजिए, जब ये बाउंड्री जो बनाई गई है, ये मंदिर जो पीछे आप देख रहे हैं विराट विशाल रूप में बना हुआ है, न सीमेंट थी न कोई ऐसा था, लेकिन उस जमाने के कलाकार और आर्टिस्ट और शिल्पकार कैसे थे, पत्थर से पत्थर जोड़कर उन्होंने उस जमाने में बनाया, जो आज ये हजारों साल बाद भी आज गिरा नहीं है और बिल्कुल मजबूती के साथ। आज का सीमेंट कमजोर हो सकता है, लेकिन ये आज भी कमजोर नहीं है। मुझे लगता है कि वास्तव में उस जमाने में भी शिल्पकार हुआ करते थे। जैसे हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, उनमें भी हमें प्राचीन चीज़ें मिलती है। उसी का एक उदाहरण हमें इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग से मिलता है, कितने हजारों साल पुरानी ये सभ्यता है और यहाँ आने का अवसर बार बार हमें मिलता रहता है। माँ कालका माता का आशीर्वाद हम पे बना रहता है, इसीलिए हमें यहाँ आने का अवसर मिलता है। यहाँ के इतिहास के बारे में, चित्तौड़गढ़ जिले के इतिहास के बारे में बहुत लंबा चौड़ा प्राचीन इतिहास है। यहाँ पर जो सैलानी आते हैं, इस गढ़ को देखकर सैलानी जो आते हैं, यहाँ उमड़ते हैं, हर एक आदमी के, हर एक देशवासी के भावने, हर एक विदेश में चित्तौड़ को देखने की चाहत बड़ी मन में रहती है। वास्तव में उन सैलानियों को यहाँ चित्तौड़गढ़ में आना चाहिए और थोड़ा समय बिताकर यहाँ के इतिहास के बारे में और यहाँ प्राचीन मंदिरों के बारे में और प्राचीन दीवारों के बारे में, किस तरह से गोलियां चलाई जाती थी, ऊपर से कोई हमला नहीं कर सकता था। चित्तौड़गढ़ एक ऐसे पहाड़ी पे बना हुआ है जिसकी 16 किलोमीटर लंबी पूरी प्रक्रम में परिक्रमा है और 16 किलोमीटर पे गांव बसा हुआ है, मंदिर बसे हुए हैं, दुर्ग बसे हुए हैं, मंदिर, बावड़िए, सरोवर, बहुत सारी चीजें हैं हमें यहाँ देखने को मिलती है और हमें बहुत अच्छा लगता है कि चित्तौड़गढ़ में हम आते रहते हैं। जय कालका माता की। चूनो असो उपकरण है न तो चूनो, हाँ चूना टाइप उपकरण है और बिल्लो वगैरह है ना, बहुत सारा देखे ना, देखे हाथ देखे ना कितने मजबूत है। प्राचीन दीवार है, चूने की दीवार है, उस जमाने का चूना है और देख सकते हैं कितनी अच्छी और मजबूत दीवार है। हमारे साथ हमारी धर्मपत्नी जी चल रही है और दीवार को देख रही है। यहाँ से बंदूक चलाते थे है ना सेनापति, घूमने वीडियो करता नहीं बताता।
Thank you.
you.